Hello student and welcome back to my channel. Today we will start question number 4th of exercise 7.2. So let's start. See, question number 4th is, find the ratio in which the line segment joining the points -3, 10 and -6, -8 is divided by -1, 6. तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको कहा है रेशियो फाइंड आउट करने, लाइन सेगमेंट है तो ये ली लाइन ए, इसके पॉइंट्स है -3, 10, बी इसके पॉइंट्स है -6, -8. लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट इज डिवाइड, ये लाइन को डिवाइड कर रहा है -1, 6 में. आपको इसके रेशियो यहाँ के फाइंड आउट कर रहे हैं कि क्या होंगे. तो देखिए कैसे करते हैं. अब देखिए लाइन सेगमेंट जॉइनिंग, अगर मिड पॉइंट मेंशन होता तो 1:1 ले लेते, लेकिन इसमें ऐसा मेंशन नहीं है तो हम सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे. जब भी कभी ऐसे रेशियो फाइंड आउट करने हो जो ना ट्राई सेक्शन हो ना मिड पॉइंट हो, तो उसमें हम लेते हैं अपने अकॉर्डिंग रिक्वायर्ड रेशियो k:1. तो हम इसमें भी ले लेते हैं, लेट द रिक्वायर्ड रेशियो k:1. ठीक है बच्चों, अब सेक्शन फॉर्मूला आपको पता है x1 इसके साथ m1 plus m2 comma y2 के साथ भी m1 m2 y1 m1 plus m2. अब जो वैल्यूज गिवन है उस वैल्यू को यूज करके इसमें पुट करते हैं. पॉइंट्स जो है वो आपको पता है क्या है, ये होता है x1 y1, ये होता है x2 y2. अब देखिए m1 आपको पता है, ये m1 और m2 सारी चीज गिवन है. m1 क्या है, k इंटू x2 आपके पास 6, k इंटू 6 प्लस m2 है आपके पास 1, x1 है -3, नीचे k प्लस 1 ये हो गया, कॉमा अगेन m1 k, y2 है -8 प्लस m2 1 y1 है 10 डिवाइडेड बाय k प्लस 1 इक्वल टू -1, 6, क्योंकि इनको -1, 6 में ये जो लाइन है वो डिवाइड करती है, तो यानी कि वो उसके इक्वल है. अब k इंटू 6 इज 6k प्लस -3, 1 जा 3, k प्लस 1 कॉमा -8 को कैसे करेंगे बच्चों, -8k 10 1 जा 10, k प्लस 1 इक्वल टू -1, 6. अब इस वाले के साथ ये वाले पॉइंट्स, x के साथ y के साथ y, 6k -3 k प्लस 1 इक्वल टू -1, -8k प्लस 10 बाय k प्लस 1 इक्वल टू 6. अब इसको यहां मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको यहां 6k -3 -1 को k प्लस 1 से, सिमिलरली -8k प्लस 10 इक्वल टू 6 को k प्लस 1 से. ठीक है बच्चों, अब देखिए 6k -3 -1 को कैसे करेंगे, -k -1 को 1 से करेंगे -1, याद गया. इसको देखिए -8k प्लस 10 6k 6 को कैसे करेंगे, तो बच्चों 6k एंड 6 को 1 से करेंगे तो 6, 6k माइनस के यहां आएगा तो प्लस के, -1, -3 यहां जाएगा तो +3, 6 और 1 7k इक्वल टू 2, k आ गया 2/7. सिमिलरली -8k के पास ये वाला k ले आएंगे -6k, 6 प्लस 10 इधर जाएगा -10, -+8 and 6 14k बड़े डिजिट का साइन, 10 में से 6 4 बड़े डिजिट का साइन. ये चीजें तो बच्चों आपको पता ही है, माइनस से माइनस कैंसिल, k इक्वल टू 4/14, 2 2 जा 2 7, दोनों तरीके से k इक्वल टू 2/7 आपको मिला. हमें लिखना है रिक्वायर्ड रेशियो, k यहाँ आ जाएगा तो यानी कि रिक्वायर्ड रेशियो, और k ना भी हो तो आपको पता है डिनोमिनेटर में है, तो रिक्वायर्ड रेशियो क्या आ गया आपके पास 2:7. तो ये आपके रिक्वायर्ड रेशियो आपको मिल गए. तो जो रेशियो क्वेश्चन में मांगा था वो क्या आया,
2:7। तो बच्चों होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। टिल देन बच्चों टेक केयर, बाय बाय।